नमस्कार मित्रों, ज्योतिष की विशेष पेशकश समय चक्र में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे लक्ष्मी प्राप्ति के सरल उपायों के बारे में। गाय को पहली रोटी निश्चित रूप से जानी चाहिए, वहीं भोजन का कुछ भाग श्वान को भी देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान भैरव के दूत माने गए हैं, भैरव के गण माने गए हैं। पीपल के वृक्ष में बृहस्पति का वास है, गुरु का वास है, अतः पीपल वृक्ष में भी यथासंभव पानी देना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन एक आटे का चार मुहा दीपक बनाकर पीपल के नीचे गोग्रह से प्रज्वलित करें, इससे भी धन संपत्ति का स्थायी निवास आपके घर में बना रहेगा। घर के वृद्ध जन गुरु के ग्रह के प्रभाव में आते हैं, इनका मान सम्मान आपकी आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित करता है, इनका आशीर्वाद निश्चित रूप से आपकी वृत्ति में सहायक होता है। व्यय भाव में यदि अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति दरिद्र होता है। बाद में भाव के ग्रह के स्वामी का दान करना चाहिए, इससे व्यय में कमी आती है और आर्थिक संपन्नता में इजाफा होता है। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। 8 भाषाओं में प्रकाशित हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, बंगला व असमी भाषाओं में प्रकाशित सभी बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। असुविधा की अवस्था में संपर्क करें अज्ञात दर्शन कार्यालय, 130 फर्स्ट ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। कॉल 0291-263-7359 और 2431-883 पर, या फिर लॉग ऑन करें www.अज्ञातदर्शन.net पर।